मतदान करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रणाली के गठन के लिए आज सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने पिछले 5 सालों में नाहन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा शासन में अभूतपूर्व विकास हुआ और उन्हें विश्वास है कि आने वाले 5 सालों के लिए विकास को और अधिक गति देने के लिए भाजपा को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने पिछले 5 सालों के विकास को देख काम के दम पर वोट देने का मन बना लिया है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने दावा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां 45 से अधिक सीटों के साथ दोबारा से भाजपा सरकार बनने जा रही है, तो वहीं सिरमौर जिला की 5ों सीटें जीतने जा रही है। ऐसा वातावरण सिरमौर जिला में बन रहा है। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनाने के गठन के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया आज प्रातः 8 बजे प्रारंभ हो गई है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं में भारी उत्साह है। हम देख रहे हैं कि 8 बजे बूथों के ऊपर लाइनें लगी हैं। नाहन के मतदाता ने मन बनाया है कि हमने काम के लिए वोट देना है। जो पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य हुए हैं, पुल बने हैं, सड़कें बने हैं, पीने के पानी में सुधार हुआ है, अस्पतालों में सुधार हुआ है, उसके लिए वोट देने का मन बनाया है। और आने वाले 5 साल के अंदर एक बेहतरीन नाहन विधानसभा क्षेत्र, अच्छी सड़कें, अच्छे पुल, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, इसके लिए वोट देने का मन बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 45 से ज़्यादा सीटें जीत करके पुनः सरकार बनाने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है, सिरमौर जिला की 5ों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा वातावरण पूरे सिरमौर में बना है। मैं मतदाताओं को अनुरोध करता हूँ कि वो विकास के साथ चलें। मतदान करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रणाली के गठन के लिए आज सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने पिछले 5 सालों में नाहन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा शासन में अभूतपूर्व विकास हुआ और उन्हें विश्वास है कि आने वाले 5 सालों के लिए विकास को और अधिक गति देने के लिए भाजपा को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने पिछले 5 सालों के विकास को देख काम के दम पर वोट देने का मन बना लिया है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने दावा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां 45 से अधिक सीटों के साथ दोबारा से भाजपा सरकार बनने जा रही है, तो वहीं सिरमौर जिला की 5ों सीटें जीतने जा रही है। ऐसा वातावरण सिरमौर जिला में बन रहा है। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनाने के गठन के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया आज प्रातः 8 बजे प्रारंभ हो गई है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं में भारी उत्साह है। हम देख रहे हैं कि 8 बजे बूथों के ऊपर लाइनें लगी हैं। नाहन के मतदाता ने मन बनाया है कि हमने काम के लिए वोट देना है। जो पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य हुए हैं, पुल बने हैं, सड़कें बने हैं, पीने के पानी में सुधार हुआ है, अस्पतालों में सुधार हुआ है, उसके लिए वोट देने का मन बनाया है। और आने वाले 5 साल के अंदर एक बेहतरीन नाहन विधानसभा क्षेत्र, अच्छी सड़कें, अच्छे पुल, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, इसके लिए वोट देने का मन बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 45 से ज़्यादा सीटें जीत करके पुनः सरकार बनाने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है, सिरमौर जिला की 5ों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा वातावरण पूरे सिरमौर में बना है। मैं मतदाताओं को अनुरोध करता हूँ कि वो विकास के साथ चलें।